आइए भक्तों, आज सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या पर सुने ये खास कथा, होगी हर मनोकामना पूरी। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल यानी आज मनाई जा रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों को तर्पण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी महत्व होता है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की खास कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र में साथ सभी स्त्रियों चित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर संस्कारवान एवं गुणवान थी। गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अलग दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेते हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह की घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। तब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी, पूछने लगे कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चारकी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन अपनी पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने आने तक घर पर ही रहने का कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसके इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भबरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले
पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति ने मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि का भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें यह भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र का दान नहीं देना चाहिए। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, की आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरिधांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारि चतुरि भुज दस भुज अति सोहे स्वामी, दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखिते तिरुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अछि माला बन माला मुंडी माला धारी स्वामी, मुंडी माला धारी त्रिपुरारि कंसारी करी माला धारी, ओम जय शिव ओमकारा, सीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी, बाघांबर अंगे सनिका दिक गरुणा दिक भूता दिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा, करिके माध्यक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी स्वामी, चक्र त्रिशूलधारी सुखी कारी दुखी हारी जगी पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका स्वामी, जानति अविवेका मधुकैटव दौ मारे सुर भयहीं निकरे, ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर्षावित्री पार्वती संगा स्वामी, पार्वती संगा पार्वती अरिधंगी शिव लहरी गंगा, ओम जय शिव ओमकारा, पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलाशा
स्वामी शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन बाश्मी में बसा। ओम जय शिव ओम कारा जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला स्वामी गले मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओम कारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठि दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओम कारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओम कारा प्रभु हर शिव ओम कारा। तो एक बार बोलिए प्रेम से भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय।